नमस्कार दोस्तों, मैं आज के इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्कशन में आपके साथ किसी कंपनी के डायरेक्टर्स के संदर्भ में उसकी इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड ऑब्लिगेशंस पर चर्चा करने जा रहा हूं। यानी अगर सरल शब्दों में कहूं तो कि आप यदि किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आपको किन किन बिंदुओं का, किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज का प्रेजेंटेशन, ये छोटी सी वीडियो उन्हीं बातों को टच करने का एक प्रयास है। देखिए सर, इशू क्या है कि नई बात क्या आई इस साल से, ITR 2 में और ITR 3 में सरकार ने एक स्पष्ट रूप से रिक्वायरमेंट इंसर्ट करी है सीबीडीटी ने, और उस रिक्वायरमेंट के थ्रू सीबीडीटी कह रही है वेदर यू वर डायरेक्टर इन अ कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यस और नो। मान लीजिए आपने यस टिक किया क्योंकि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो अब आपको उस कंपनी का नाम बताना है, आपको उस कंपनी का पैन नंबर बताना है, आपको ये भी बताना है कि उस कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं, अनलिस्टेड हैं, और आपका डिन नंबर क्या है। और डिन नंबर तो सर हर व्यक्ति का जो कि एक डायरेक्टर है वो एक ही रहने वाला है, तो मे बी अ पर्सन मे बी डायरेक्टर इन मल्टीपल कंपनीज, तो उसका डिन नंबर सेम रहने वाला है, परंतु सारी कंपनीज की डिटेल उस व्यक्ति को यहां पर देनी पड़ेगी। दिस इज द इंफॉर्मेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कलेक्ट थ्रू दिस पर्टिकुलर न्यू रिक्वायरमेंट इन टू द ITR फॉर्म्स। अब एक बात यहां पर ये जरूर आती है सर कि ऐसा क्या पर्पज है सरकार के दिमाग में कि ये इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। गवर्नमेंट इन इट्स नोटिफिकेशन ऑफ नोटिफाइंग दीज ITR फॉर्म्स हैज नॉट स्पेसिफिकली पुल्ड आउट और हैज नॉट स्पेसिफिकली मेड अ पॉइंट कि हम इसलिए डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। पर सर, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि न केवल कंपनियों को जिम्मेदार बनाया जाए बल्कि एट द हेल्म ऑफ अफेयर कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको भी जिम्मेदार बनाया जाए। क्या ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी का डायरेक्टर है वो टाइमली अपनी रिटर्न भर रहा है, नहीं भर रहा, अपनी रिटर्न में क्या वो ये बात बता रहा है क्या कि वो किसी कंपनी में डायरेक्टर था या डायरेक्टर है रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और उस डायरेक्टर के अर्निंग लेवल्स का कहीं ना कहीं कंपनी के अर्निंग लेवल्स के साथ में कोई मैपिंग हो सकता है। सरकार इस प्रकार का भी कोई डेटाबेस बनाने की तैयारी यहां पर कर रही हो। यहां पर सर मैं एक बात और क्लेरिफाई कर देता हूं कि डिन को अगर आप ROC की साइट पर जाकर देखेंगे तो एक सिंपल सा डिन का एक्सप्लेनेशन है। डिन इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉटेड टू एन इंडिविजुअल हु इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अपॉन मेकिंग एन एप्लीकेशन इन फॉर्म DIR 3 परसुएंट टू सेक्शन 153 एंड 154 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आप सब सर इस बात से ऑलरेडी अवगत होंगे कि यदि मुझे किसी कंपनी में एज डायरेक्टर इंट्रोड्यूस करना है खुद को, तो मेरा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको कि डिन कहा जाता है, सबसे पहले मुझे वो ऑब्टेन करना है, और उस डिन को ऑब्टेन करने के बाद ही मुझे उस कंपनी का डायरेक्टर बनाया जा सकता है। सो मेरी ओपिनियन में सर, डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, डायरेक्टर्स का डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, डायरेक्टर्स को इनकम टैक्स के साथ साथ ROC के साथ साथ मैपिंग करने के लिए ये एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर जोड़ी गई है। परंतु ये जो भी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सर, ये दोनों ITR 2 एवं ITR 3 में ही मांगी गई है। अगर आप ITR 1 भर रहे हैं या आप ITR 4 भर रहे हैं और आप कंपनी के डायरेक्टर नहीं हैं, तभी आप सर ITR 1 एवं ITR 4 भर सकते हैं। यदि आप डायरेक्टर हैं तो आप ITR 1 एवं ITR 4 नहीं भर सकते, आपके लिए अब सही फॉर्म ITR 2 या ITR 3 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर है, किसी भी कंपनी का लिस्टेड या अनलिस्टेड, उससे अब सरकार सर डिटेल इंफॉर्मेशन यहां पर मांगने जा रही है। अब क्योंकि इस वीडियो में सर मैं चर्चा आपके साथ डायरेक्टर से रिलेटेड कर रहा हूं बातों पर, तो मैं यहां पर आपको डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ और इनकम टैक्स एस्पेक्ट पर भी चर्चा करके चलता हूं। मेरा पहला प्रश्न है सर, इज इट मैंडेटरी टू फाइल ITR फॉर अ डायरेक्टर, कि क्या किसी डायरेक्टर के लिए ITR फाइल करना जरूरी नहीं है या जरूरी ही है। इस क्वेश्चन का आंसर सर इस बात पर डिपेंड करेगा कि एज अ डायरेक्टर, क्योंकि आप इंडिविजुअल होंगे, तो आपकी खुद की ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अबाउ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है जो कि रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 19-20 में 2.5 लाख रुपए है, तो आपके लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी है, नहीं तो आपके लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी नहीं है। तो एक क्वेश्चन आता है सर, क्योंकि अब डायरेक्टर्स के लिए डिन नंबर कोट करना मैंडेटरी कर दिया गया है और
मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं, परंतु मेरी खुद की पर्सनल टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं है, यानी मेरी समस्त स्रोतों से सकल आय, सकल कुल आय 2.5 लाख से ऊपर नहीं है। क्या अब मेरे को रिटर्न भरना मैंडेटरी है? मेरी ओपिनियन में सर, ऐसी रिटर्न भरना कोई मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज 139 में ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं आया जो किसी कंपनी के डायरेक्टर को मैंडेटरी रिटर्न भरने के लिए कहता हो। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट है सर, व्हाट काइंड ऑफ इनकम अ डायरेक्टर में है? तो ये तो सर डिपेंड करेगा, डायरेक्टर में हैव सैलरी इनकम, ही में हैव हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ही में हैव बिजनेस इनकम, ही में हैव कैपिटल गेन इनकम, और ही में हैव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगला प्रश्न देखिएगा सर, वेदर डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू इमीडिएटली फाइल आईटीआर थ्रू डिजिटल सिग्नेचर? ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है सर, आप ओटीपी के थ्रू, आधार ओटीपी के थ्रू भी अपनी रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म से भी वेरीफाई कर सकते हैं, और यदि आपका डिजिटल सिग्नेचर से आप रिटर्न भरना चाहते हैं तो वो भी एक वेलकम स्टेप है, परंतु ऐसा मैंडेटरी नहीं है। हाँ, यदि आप पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है एज अ डायरेक्टर, क्योंकि आपकी खुद की भी पर्सनल इनकम है और वो अबाउ टैक्स ऑडिट लिमिट है, तो ऐसी परिस्थिति में सर आपकी आईटीआर डिजिटल सिग्नेचर से ही अपलोड होगी। एक और क्वेश्चन सर, वेदर डायरेक्टर रेमुनरेशन इज सैलरी इनकम और इनकम फ्रॉम बिजनेस? तो सर ये डिपेंड करेगा, यदि आप एम्प्लॉय डायरेक्टर हैं और कंपनी ने आपको फॉर्म 16 इशू किया है, तो आप निश्चित रूप से सैलरी के रूप में उस रेमुनरेशन को दिखाएंगे, और यदि आप सैलरी के रूप में, सैलरीड पेड व्यक्ति के रूप में किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, अब आपको कोई सिटिंग फीस मिलती है, किसी प्रकार का बिजनेस प्रमोशन से रिलेटेड कमीशन मिलता है, तो ऑल दीज थिंग्स विल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस इनकम। मेरा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, कैन अ डायरेक्टर क्लेम बेनिफिट ऑफ चैप्टर 6 है? व्हाई नॉट सर, नोबडी प्रिवेंट्स अ डायरेक्टर फ्रॉम क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ चैप्टर 6 है। आप डायरेक्टर की सकल कुल आय निकालिए, ग्रॉस टोटल इनकम, और उसमें से जो भी डायरेक्टर ने चैप्टर 6 के इन्वेस्टमेंट किए हो, हम उन सब का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सर, वेदर डायरेक्टरशिप ऑफ अ फॉरेन कंपनी नीड्स टू बी मेंशन इन अ आईटीआर? अब इशू क्या है सर, कि यदि आप किसी फॉरेन कंपनी के डायरेक्टर हैं तो जरूर नहीं है उस फॉरेन कंपनी का पैन हो, जबकि पीछे जो मैंने आपको आईटीआर फॉर्म 2 में से एक एक्सट्रैक्ट निकाल के दिखाया था, वो कंपनी का नेम, कंपनी का पैन नंबर मांग रहा था और आपका डिन नंबर मांग रहा था। तो ये इशू सर आईटीआर फॉर्म्स के लिए जो नोटिफिकेशन आया उसमें अनआंसर्ड है, कि क्या फॉरेन कंपनी की डायरेक्टरशिप होने पर भी आपको स्पष्ट रूप से बताना है? तो मेरी ओपिनियन में सर अभी के लिए तो यही शायद सही रहेगा कि आप इंडियन कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आप वहां पर डिस्क्लोज करिए, फॉरेन कंपनी के संदर्भ में, अनलेस उनका खुद का कोई पैन हो फॉरेन कंपनी का इंडिया में, देर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अपीयरिंग इन द आईटीआरएस। लास्ट मेरा प्रश्न सर, जिसका उत्तर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल फॉर डायरेक्टर, यदि आप एक इंडिविजुअल हैं तो अब आप आईटीआर 1 एवं आईटीआर 4 नहीं भर सकते, यदि एट द सेम टाइम आप इस किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं। हाँ, अब आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 भरनी पड़ेगी, यदि आप केवल सैलरीड पेड हैं, बिजनेस इनकम नहीं है, तो आप आईटीआर 2 भरें, यदि आपके पास बिजनेस इनकम भी है तो आप सर आईटीआर 3 भर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं डायरेक्टर से रिलेटेड आईटीआर के डिस्कशन को यहां पर समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रावधान निश्चित रूप से कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को, डायरेक्टरशिप्स को और मजबूत बनाने में सहयोग करेंगे सरकार का, और यदि आपकी इससे रिलेटेड, विषय से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स पोर्शन में। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव अ अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू देम। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर अप्रिशिएटिंग दिस पर्टिकुलर चैनल। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू।